हमारी भी फर्स्ट पेमेंट आएगी, हमें भी खुशी मिलेगी, हमें भी जो है मम्मी पापा से बहुत ज्यादा कुछ जो है मोटिवेट मिलेगा, मम्मी पापा हमें और मोटिवेट करेंगे, हम यूट्यूब पे मेहनत से काम करेंगे। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सबसे बेस्ट बैंक कौन सा होता है यूट्यूब पेमेंट लेने के लिए। YouTube पे जितने भी नए नए YouTube क्रिएटर आते हैं या फिर YouTube पे पहले से काम करते हैं, जब उनका YouTube चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है और उनके Google AdSense में $100 कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हम अपने Google AdSense में कौन सा बैंक डालें जिससे हमारी फर्स्ट पेमेंट बहुत जल्दी से आ जाए और हम भी अपने YouTube चैनल पर एक माई फर्स्ट पेमेंट की वीडियोस अपलोड करके अपनी ऑडियंस को मोटिवेट करें। क्योंकि मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, इस दिन का ना सभी यूट्यूबर को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है कि कब हमारा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन होगा, कब हमारी फर्स्ट पेमेंट हमारे बैंक के अंदर आएगी। बहुत ज्यादा इंतजार सभी यूट्यूबर को ये होता है। तो अगर आपको भी पता करना है कि हम अपने गूगल एडसेंस में कौन सा बैंक अपलोड करें जिससे हमारी पेमेंट जो है बहुत जल्दी से आ जाए, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। क्योंकि आप सभी को मेरा मेन मकसद यही है समझाना कि आप अपने गूगल एडसेंस में कौन सा बैंक अपलोड करें जिससे आपकी पेमेंट बहुत जल्दी से आ जाए। अब आप सभी को बता दूं कि आपको अपने $100 लेने के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। अब भाई ये स्विफ्ट कोड क्या होता है वो क्लियर कर दूं। जो स्विफ्ट कोड होता है, जब आपके गूगल एडसेंस में $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो उन डॉलर्स को लेने के लिए, अपने इंडियन बैंक में लेने के लिए आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है, तभी आपके वो $100 कन्वर्ट होके आपके बैंक में इंडियन करेंसी में आते हैं। क्यों, जैसे बहुत सारे बैंकों में आपने देखे होंगे बहुत सारे कोड होते हैं, IFSC कोड हो गया, MCR कोड, बहुत सारे ऐसे कोड होते हैं। उसी तरह से एक स्विफ्ट कोड होता है जिसके थ्रू आपके $100 कन्वर्ट होके आपके इंडियन बैंक में आते हैं। तो यहां तक आपको ये पता लग गया होगा स्विफ्ट कोड क्या होता है। अब आप सभी को बता दूं, बहुत सारे बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं होता। जैसे मान लीजिए छोटे छोटे बैंक होते हैं, ग्रामीण बैंक होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, उसमें स्विफ्ट कोड नहीं है, तो आप उस बैंक में जो है अपने $100 कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में नहीं ले सकते। तो अगर आप यूट्यूबर हो, आपकी फर्स्ट पेमेंट आने वाली है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सा अपने बैंक में पहुंच जाना है, वहां जाके मैनेजर से बात करनी है, मैनेजर को बोलना है कि सर मेरी यूट्यूब की तरफ से ऐसे ऐसे करके पेमेंट आनी है, मैं यूट्यूब पे एक चैनल है तो वहां से मेरी एक पेमेंट आनी है, क्या आपके बैंक अकाउंट बैंक में स्विफ्ट कोड मेरे को मिलेगा। तो अगर वो मैनेजर आपको बोलता है कि हाँ सर आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, तो आप उस बैंक को अपने गूगल एडसेंस में डाल सकते हो, आपका पेमेंट बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो आप बैंक जाकर अपना स्विफ्ट कोड ले सकते हो। अब मान लीजिए बहुत सारे बैंकों में स्विफ्ट कोड नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, मैनेजर से बात कर सकते हो कि आप उनका मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड ले सकते हो। अब आपको क्लियर कर दूं कि मेरा जो मेन मकसद था वीडियो में बताने के कि हम कौन सा बैंक अकाउंट अपने गूगल एडसेंस में अपलोड करें। तो आप सभी को बता दूं, जितने भी बड़े बड़े बैंक होते हैं ना, जैसे प्राइवेट हो गए, गवर्नमेंट बड़े बड़े बैंक हो गए, तो आप उनका स्विफ्ट कोड डाल सकते हो और आपकी पेमेंट भी बहुत जल्दी से आ जाएगी। अब ये नहीं है कि आपकी कई बार पेमेंट लेट हो जाए तो आपको घबराना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जब उनकी पेमेंट लेट हो जाती है तो वो घबरा जाते हैं कि हमारी पेमेंट क्यों नहीं आई, हमारी फर्स्ट पेमेंट क्यों नहीं आई। तो आप सभी को बता दूं, जब आपके गूगल एडसेंस में $100 कंप्लीट हो जाते हैं तो वो 21 तारीख को आपके जो है $100 रिलीज हो जाते हैं आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। तो कई बार मान लीजिए फेस्टिवल आ जाता है या फिर सैटरडे संडे आ गया बीच में, जब आपकी पेमेंट रिलीज हुई तो सैटरडे संडे बीच में आ गया, तो आपकी पेमेंट लेट हो सकती है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी पेमेंट 100% आएगी अगर वहां से रिलीज हो गई है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार कोई फेस्टिवल या त्योहार भी आ जाता है तब भी आपकी पेमेंट लेट हो जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कई बार मान लीजिए कोई ना तो सैटरडे है ना संडे है या ना फिर फेस्टिवल है, तब भी आपकी पेमेंट लेट हो गई, तो आपको अपने घर पे बैठे नहीं रहना, आपको उठ के जाना है अपने बैंक में, वहां पर जो है मैनेजर से बात करनी है कि सर मेरी ऐसे ऐसे करके पेमेंट रिलीज हुई है, क्या आप अपने कर्मचारी से वहां पर चेक करा सकते हो। तो आपको कर्मचारी के पास जाना है कि सर मेरी पेमेंट चेक करिए, क्या मेरी कोई पेमेंट आई है, तो वो चेक करेगा, आपको बोलेगा सर आपकी पेमेंट आई है, तो आपको खुशी मिलेगी दिल से कि हाँ चलो पेमेंट तो आ गई है मेरे बैंक में। तो कई बार कर्मचारी भी जो है आपकी पेमेंट लेट करते हैं,
तो इस तरह से आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको कर्मचारी को बोलना है कि सर अगर मेरी पेमेंट आई है तो उसको रिलीज कर दीजिए, तो वो साथ के साथ आपकी पेमेंट रिलीज कर देते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आप इस तरह से भी बैंक में जाके बोल सकते हो मैनेजर को, जो मैंने आपको वीडियो में बताया, क्योंकि मैं समझता हूँ आपकी फीलिंग को, समझता हूँ कि जब आपकी फर्स्ट पेमेंट आती है तो आपको कितना बेसब्री से इंतजार होता है कि हमारी भी फर्स्ट पेमेंट आएगी, हमें भी खुशी मिलेगी, हमें भी जो है मम्मी पापा से बहुत ज्यादा कुछ जो है मोटिवेट मिलेगा, मम्मी पापा हमें और मोटिवेट करेंगे, हम यूट्यूब पे मेहनत से काम करेंगे। क्योंकि मैं फीलिंग आपकी समझता हूँ कि जो फर्स्ट पेमेंट आती है कितना बेसब्री से इंतजार होता है। जो फर्स्ट पेमेंट आएगी वो यार मैं समझ सकता हूँ कि कितनी मेहनत करने के बाद हमारी फर्स्ट पेमेंट आती है। तो इसलिए मैं आप सभी को ये वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आप कौन सा बैंक यूज कर सकते हो कि जिससे आपकी पेमेंट बहुत जल्दी आपके बैंक अकाउंट में आए और ना ही आपको घबराने की जरूरत है। ये भी बताइए कि कई बार आपकी पेमेंट भी जो है लेट हो सकती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, आपको बिल्कुल अच्छे से नॉलेज देगा, अच्छे से समझाएगा, आपका हौसला बढ़ाऊंगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि जब फर्स्ट पेमेंट आती है तो कितनी खुशी होती है, कितना बेसब्री से इंतजार होता है। तो यहां तक मैंने आप सभी को बिल्कुल समझाया है कौन सा बैंक यूज करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आज की वीडियो में बताया। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, यहां तक आपने वीडियो देख ली है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ। तो यहां तक आपने वीडियो देख लिया तो दिल से धन्यवाद, और हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।